वेलकम बैक टू माय चैनल। सफ़र को साइड करके एक सफ़र की शुरुआत करते आज कुछ नया करते। और अभी मैं जा रहा हूँ एक माइक का टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने एक माइक लिया तो सो बोला उसको टेस्ट करता हूँ। और वो मेरा दोस्त है, उसको भी मिलता हूँ। ये देखो मिल ही गया। अरे चालू है क्या मेरा? हाँ डालने वाला ये सब। हाँ तो शरीफ बन जाता हूँ फिर शरीफ। जस्ट मैंने स्टार्ट किया अभी इंट्रो स्टार्ट किया और तू मिला। इसको ऐसे रहने देगा क्या? इस दोनों की टेस्टिंग हो जाएगी, समझा? ये नया वाला है? नहीं नया वाला इसके नया वाला करना तो इससे क्या करे, इसमें वॉइस क्लैरिटी नहीं दे रहा। और ये डाल ब्लॉक में। हाँ भड़क रहा हूँ कि मतलब तो डालने ही वाला हूँ मैं दोनों की। क्या? हाँ अभी लगा ना वहाँ पे, मैं मतलब हेलमेट का विंड वाइजर डालूंगा तो उसकी वॉइस तो चल कहाँ पे बैठते, क्योंकि मुझे ये भी दिखा ना इसके अंदर का वायर वो सब। गार्डन में चल। हाँ चल, मैंने इसलिए तो ये नहीं निकाला क्योंकि मुझे ऑन ब्लॉक सब दिखाना है। बारिश आ रहा लगता है। ये वाला वो नया माइक है जो मैंने मंगाया, आपको दिख रहा है कि नहीं? मानो लिवियर माइक्रोफोन। सो इसकी टेस्टिंग करेंगे अपन और इसके अंदर का माइक आपको दिखाता हूँ कि इसका सेटअप कैसे होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये सब साला चाइना से आ रहा है सब। ये देखो ऐसा पूरा वो कवर करना पड़ता है। ये जो मैंने किया है आपको तो गंदा दिख रहा होगा, लेकिन कितनी सेलो टेप निकलेगी मालूम है? बहुत सारी सेलो टेप निकलेगी। वापस जो सेलो टेप लगेगा ना, लेकिन लेके आया है। हाँ है ना, लेके आया हूँ। प्रॉपर यूट्यूबर है, व्लॉग में डालता नहीं है। एक साल के बाद अभी मैं बोल रहा हूँ उसमें गाना आ जाएगा, इसके बाद में भरोसा मत रखना। कर ले करेंगे आगे हम कुछ सोच रहे। Wait a minute! Who are you? We are Venom. Wow! Oh, hi. इसके बाजू में बैठा उस तरह पक्का भरोसा नहीं था तुम लोग? कैसा पकड़ और इसको दे? तो मुझे मत देगा तेरा स्क्रीन ही बंद मेरे को क्या मालूम पड़े किधर करना। अच्छा अच्छा अरे बोया नहीं सॉरी बोया याद आ रहा है मुझे। मानो इसका ये मुझे अच्छा लगा, मैंने अनबॉक्सिंग की है इसकी घर पे, मतलब देखने के लिए क्या क्या। इसका पाउच बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो फील करके देख इसका है ना क्वालिटी अच्छी है ना। क्वालिटी अच्छी है, मस्त है। और ये इसका ये देख कितना छोटा है और एज कंपेयर ये मतलब देख। अरे इसको सेट करना भी इजी है बहुत। इसमें पीछे ये नहीं है जो तुझे लगता था, वो तू बोल रहा वो लगता है, वो लग क्या ऐसा वाला कुछ नहीं, ये नहीं है वो सेल वाला माइक है। थोड़ा सा बारिश नहीं गिरा और ऐसे गाड़ी चला रहे हम लोग।
सो गाइज आपने देखा कि मैंने ये नया माइक इंस्टॉल किया, लेकिन अफ्टरनून में मैं रिकॉर्ड करने वाला था इससे, मतलब टेस्ट करने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो मेरा माइक अडैप्टर था, माइक अडैप्टर मतलब जो कनेक्टर आता है, वो मैं भूल चुका था घर पे। सो इसकी वजह से मैं टेस्ट नहीं कर पाया। सो मैं घर पे आया, उसके बाद बारिश था तो मैं कहीं बाहर नहीं गया। सो अभी थोड़ा बारिश कम हुआ तो मैं घर से बाहर निकला कि बोला कि इसको टेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो कल मुझे डालना है, इसलिए अभी उसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि इस माइक का वॉइस कैसा है। अभी मैंने अंदर मास्क डाला है तो पता नहीं आवाज़ कैसी आती होगी, बट आप मुझे बताओ कि जो मेरा पहला वाला माइक था वो अच्छा है या ये बेटर है, इससे आवाज़ अच्छी आ रही कि नहीं आ रही। ओके गाइस, मेरा पुराना वाला माइक था वो, उसकी वायर तो आप लोगों ने देखी कि कितनी लंबी थी, और इतना बड़ा वायर हेलमेट के अंदर समेट के रखना मतलब बहुत मुश्किल जा रहा था, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे, तो मुझे चेंज करवाना ही था, कोई उसका अल्टरनेटिव मेरे को ढूंढना था। एक तो था रोड का माइक जो बहुत महंगा आता है, मतलब 5,500 का वो सिर्फ माइक है, मैं इतने इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यार सोचना पड़ता है। और मेरे जैसा यूट्यूबर जिसके अब तक मतलब 500 के ऊपर भी सब्सक्राइबर नहीं है, 500 छोड़ो 100 के ऊपर भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो उसके लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि रोड का माइक लूँगा मैं, लेकिन जब भी एक सब्सक्राइबर मेरे गेन करूँगा, जब भी कुछ अच्छा रिस्पांस आएगा, तभी मैं रोड का माइक डेफिनेटली लूँगा। क्या घर है यहाँ, एकदम शांति है यहाँ पे, बढ़िया सोसाइटी एकदम। आई थिंक कोबरा है, वाइपर है, गोनस है। बापरे रसल वाइपर है, ये रसल वाइपर है, वेनमस है बहुत है। साइड ऑफ हाईली वेनमस है वो। लोग इसको अजगर समझते हैं, उसका मार्किंग थोड़ा सिमिलर है। हाँ, लेकिन इसको तो गाइस आपने अभी देखा कि कैसे वो इतना बड़ा रसल वाइपर था, बहुत खतरनाक था, और ये इंडिया का सबसे वेनमस स्नेक है, बहुत खतरनाक है। बी केयरफुल, ऐसे गार्डन्स नहीं तो अगर आप मतलब कहाँ पे वॉक के लिए जा रहे हो तो एक बार चेक करो, क्योंकि मैं उसी गार्डन में जाने वाला था और जस्ट पहले वो स्नेक आया था वहाँ पे, मतलब वो स्नेक था वहाँ पे, और रात के अंधेरे में वो दिखता नहीं है, और गलती से उसके ऊपर अगर पैर गिर गया तो समझो खेल ख़त्म, क्योंकि वो काटने के बाद सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बचने का कोई चांस नहीं है उसके बाद। गाइज इस माइक को हम लोग थोड़ा टेस्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा स्पीड भगा के कि मतलब इसका आवाज़ कैसे आता है। अभी 40 के स्पीड पे गाड़ी है, 45, ये देखो, इस माइक का टेस्ट लेते हैं कि स्पीड में मतलब इसका आवाज़ कैसे आता है, मतलब 100 के स्पीड में ट्राई करके देखते हैं गाइज।
एक मिनट, अब यहाँ पे नाकाबंदी रहती है तो यहाँ से एकदम, तो यहाँ पे नाकाबंदी रहते हैं। चलो अभी थोड़ा सा भगा दे गाड़ी को, थोड़ा ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि विंड का नॉइस बहुत आएगा। चलो अभी थोड़ा भगा दे, खाली रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि अचानक सामने वाला ब्रेक मार रहा है ना तो प्रॉब्लम होता है, मैं भगा नहीं पा रहा हूँ ठीक से। मुझे नीचे जाना था, चपरी राइडर गए नो हेलमेट और इतना मतलब कटबिट मार के जा रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से ना बाइकर बदनाम है। और आपने वो सुना कि केरला में हेलमेट मतलब जो हेलमेट का जो जैसे मैंने सेटअप किया है हेलमेट कैमरा बैन है, अगर वैसे करते आप पकड़े जाते हो तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। मतलब क्या ही रूल बना है यार, मतलब और वो लोग मतलब कैमरा में दिखा रहे तो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि सब कुछ ठीक रहा है, और बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, लोग एक्सीडेंट होता है कभी कभार, अपनी गलती नहीं रहती है लेकिन हम हमारे सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपकी गलती थी या फिर हमारी गलती थी, वो सब कैमरा में रिकॉर्ड होता है। तो देखा जाए तो अच्छी चीज़ है। और उन्होंने रीज़न क्या बताया कि हम कि ये जो बाइकर्स लोग है वो उसके चक्कर में मतलब कैमरा के चक्कर में उनका ध्यान नहीं रहता है। वाह, और ऐसे जो खड्डे रहते हैं उसका क्या, मतलब रूल्स महाराष्ट्र में ना आए तो बहुत बेकार है। आवाज़ आ रही होगी कि नहीं लेकिन मेरे कान के पर्दे पूरे हिल गए, इतना विंड ब्लास्ट था। नाइन्टी फाइव तक गया मैं, ऐसी जगह पे डर लगता है। और मैंने कुछ ज़्यादा सेफ्टी भी नहीं डाली है जैसे कि ग्लव्स जैकेट, सो थोड़ा सेफ ही मतलब जहाँ पे मुझे खाली रास्ता दिखेगा वहाँ में थोड़ा भगाएगा तो रिस्क नहीं लेगा मैं ज़्यादा, क्योंकि यार मुझे बहुत सारे लोग मतलब देख रहे हैं। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं मतलब सही चीज़ दिखाऊँ। पेट्रोल बहुत कम है सो मुझे भराना पड़ेगा क्योंकि कल मुझे जिम में भी जाना है। गाइस तो पेट्रोल भरा और अभी मैं घर पर जा रहा हूँ और इस वीडियो को यहाँ तक ही मतलब ख़त्म कर दें। ये वीडियो में सिर्फ मुझे चेक करना था ये मेरा माइक कैसे वर्क करता है, मतलब मैं जब भी मतलब अगली राइड में जाऊँ तो ये वाला माइक मुझे यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो वो मुझे आप मतलब कमेंट सेक्शन में बता दो। मेरा नेक्स्ट वाला जो वीडियो है ना वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, उसमें राइड नहीं होगी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है उसमें, और मेरे कुछ ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स हैं जो इस वीडियो में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। सो गाइज प्लीज़ अगर मतलब आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे वाला कंटेंट बहुत हटके, मैं कुछ अलग ट्राई करने की सोच रहा हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मैं ऐसे ही मतलब मज़ेदार कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। चलो गाइज टेक केयर, बाय बाय।
food is up when the booze is up when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy.